जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। 87 करोड़ के राशन घोटाले में कोर्ट ने सुनाई 11 दोषियों को सजा। मंदसौर जिले के बहुचर्चित गेहूं कांड में बड़ा फैसला सामने आया। सोसाइटी के राशन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी राजेंद्र सिंह गौतम, तत्कालीन अध्यक्ष जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार मंदसौर एवं सहयोगी अधिकारियों कर्मचारियों को कोर्ट ने सजा सुनाई। पुरुष दोषियों को 5-5 साल एवं महिला दोषियों को 4-4 साल की कारावास की सजा दी गई। साथ ही हर दोषी को 4,51,000 रुपए जुर्माना से दंडित भी किया गया। जानकारी के अनुसार 2002 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री गेहूं आदि को चोरी छुपे खुलेआम बाजार में बेचने का बड़ा खुलासा सामने आया। मामले में दोषी पाते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत मंदसौर ने तत्कालीन अध्यक्ष जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार राजेंद्र सिंह गौतम सहित 11 दोषियों को कारावास की सजा दी गई। और न्याय इसमें होगा, जो कुछ अभी अदालत ने फैसला दिया। चूंकि हम न्याय के अंदर विश्वास रखते हैं, इसलिए भी इस पर हम कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। और न्याय होगा, जो भी होगा पूरे मंदसौर की जनता को मालूम पड़ेगा। दो का मामला चल रहा है न्यायालय में। जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी थे उसमें पदस्थ राजेंद्र सिंह गौतम, उनकी पत्नी और अन्य अभियुक्त, करीब 11 अभियुक्त है इस प्रकरण में। जो जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मंदसौर में प्राप्त गेहूँ जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गेहूँ, केरोसिन, गेहूँ इत्यादि जो खाद्य सामग्री है उनको गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वितरित न कर आरोपी गणने उनको खुले बाजार में विक्रय कर दिया। इस पर माननीय न्यायालय ने उनको दोषी पाते हुए प्रत्येक धाराओं में 4-4 वर्ष आरोपियों जो पुरुष आरोपी है उनको 5-5 वर्ष की प्रत्येक धाराओं में और महिला अभियुक्त को 4-4 वर्ष की सजा सुनाई। कितने का घोटाला? लगभग 87 करोड़ रुपए का अभियुक्त, 51 लाख रुपए की, 35 लाख रुपए का उसमें लगी है। ये थी आज की खबर। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।